बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल गुरुवार को अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल पहुंचे। यहां उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका। कौशल ने अपनी आने वाली नई फिल्म सैम बहादुर की कामयाबी के लिए गुरुघर में अरदास भी की। इसके अलावा उन्होंने गुरुबाणी सुनी। अरदास के बाद उन्होंने लंगर छका। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने सरोवर की परिक्रमा भी कराई। इस दौरान उनके फैंस उनके साथ फोटो क्लिक कराते दिखे। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। सैम बहादुर फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार हैं। सैम बहादुर फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे इंडियन आर्मी ऑफिसर सैम मानेकशॉ के जीवन के आधार पर बनी है। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने उनका किरदार निभाया है। सैम बहादुर का एक BDS वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें विकी ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। हाल ही में सैम बहादुर का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट मूवी के लिए काफ़ी बढ़ गई है और वो विकी कौशल की इस आने वाले फिल्म की रिलीज का बड़े ही बेसब्री से इंतजार में हैं। सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।